उच्च शिक्षा को लेकर बड़ा रुझान, छात्रों की संख्या 4 करोड़ के पार, 2020 और 21 की रिपोर्ट से सामने आई जानकारी। देश में उच्च शिक्षा को लेकर छात्रों का रुझान तेजी से बढ़ा है। साल 2014 और 15 में उच्च शिक्षा के लिए नामांकन कराने वाले छात्रों की संख्या करीब 3.42 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 4.14 करोड़ से अधिक हो गई है। 2020 और 21 की रिपोर्ट के मुताबिक छात्रों की संख्या में 72 लाख की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात GER 2011 की जनगणना के आधार पर भी बढ़कर 27.3% हो गई है। साल 2014 और 15 में यह 24.3% था, जो 2001 की जनगणना पर आधारित था। उच्च शिक्षा के प्रति महिलाओं का भी बड़ा रुझान बढ़ा है। इनकी नामांकन संख्या भी अब 2 करोड़ के पार हो गई है। 2014 और 15 के मुकाबले इनमें करीब 45% की बढ़ोतरी हुई है। उच्च शिक्षा में बदलाव की जानकारी शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की रिपोर्ट से मिली है, जिसे मंत्रालय ने रविवार को जारी किया है। यह रिपोर्ट सितंबर 2022 में ही तैयार हो गई थी, लेकिन औपचारिकताओं के चलते इसे अब जारी किया जा सका है। उच्च शिक्षा का GER 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य। उच्च शिक्षा में बदलावों को लेकर शिक्षा मंत्रालय 2011 से रिपोर्ट जारी करता आ रहा है। वैसे तो यह रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय का उत्साह बढ़ाने वाली है, लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP में उच्च शिक्षा के सकल नामांकन का जो सपना देखा गया है, उस तक पहुंचना अभी एक बड़ी चुनौती है। NEP में 2035 तक उच्च शिक्षा का GER 50% तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। कला संकाय के हैं सबसे अधिक छात्र। इस रिपोर्ट के मुताबिक उच्च शिक्षा में सबसे अधिक नामांकन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान जैसे राज्यों में हुआ है। उच्च शिक्षा में नामांकन कराने वाले छात्रों में 79% छात्र अंडर ग्रेजुएट स्तर के हैं, जबकि करीब 12% पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के हैं। ग्रेजुएट स्तर पर नामांकन कराने वाले छात्रों में सबसे अधिक कला संकाय के हैं। विज्ञान पढ़ने वाले छात्र 15.5%, कॉमर्स पढ़ने वाले 13.9% और इंजीनियरिंग व तकनीकी पढ़ाई करने वाले 11.9% हैं। देश में मौजूदा समय में 1113 विश्वविद्यालय और 4,03,796 कॉलेज हैं। उच्च शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत हुआ। वर्ष 2019 और 20 की तुलना में उच्च शिक्षण संस्थानों के संसाधनों में भी बढ़ोतरी हुई है। 2019 और 20 में जहां 86% उच्च शिक्षण संस्थानों के पास ही कंप्यूटर सेंटर थे, वहीं 2020 और 21 में 91% संस्थानों के पास कंप्यूटर सेंटर थे। 2019 और 20 में सिर्फ 58% उच्च शिक्षण संस्थानों के पास स्किल सेंटर थे। 2020 और 21 में 61% संस्थानों के पास स्किल सेंटर हो गए।